हाय एवरीवन, आज का जो हमारा यह टॉपिक है या टॉपिक है जेनोग्राम से, यानी जेनोग्राम से समाजकारी में एकाध प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। जेनोग्राम जो है ये बेसिकली पारिवारिक आरेख होता है। ये एक प्रकार से अगर हम बात करें पारिवारिक आरेख होता है, इसी को लेपिडस योजनाबद्ध कहते हैं हम लोग। जेनोग्राम जिसे बेसिकली मैक गोल्ड्रिक गर्शन अध्ययन के रूप में भी जाना जाता है। कभी कभी जेनोग्राम का एक और नाम होता है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, मैक गोल्ड्रिक गर्शन अध्ययन के रूप में भी जाना जाता है। इसी को जेनोग्राम को ही कहा जाता है। ये तो ये पारिवारिक आरेख है, एक व्यक्ति के पारिवारिक संबंध और चिकित्सा इतिहास का एक सचित्र प्रदर्शन होता है ये, है ना। और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे मेडिकल सोशल वर्कर क्या करता है कि वंशानुगत पैटर्न को और रिश्ते को विराम देने वाले एक मनोवैज्ञानिक कारकों की कल्पना करने की अनुमति देकर और एक पारंपरिक परिवार के पेड़ से परे चला जाता है। तो कहने का मतलब फैमिली ट्री की बात अगर करें तो जेनोग्राम का नाम आता है। एक विद्वान थे, उनका नाम था मरे बोबेन। सन 1970 के दशक में इन्होंने परिवार प्रणाली मॉडल दिया। परिवार प्रणाली मॉडल जो है वो कहीं ना कहीं जेनोग्राम का एक हिस्सा बन जाता है। और जब हम इसको एक हिस्से के रूप में लेते हैं तो जेनोग्राम की अवधारणा का आविष्कार हो जाता है। तो सन 1970 की मैं दशक की बात कर रहा हूँ जहाँ पे परिवार प्रणाली मॉडल के हिस्से के रूप में आया। परंतु जेनोग्राम के बाद में एक विद्वान थी जिसको मैंने अभी नाम बताया है, मोनिका मैक गोल्ड्रिक गर्शन, ठीक है। और इनके साथ जो ये दो नाम है, ये गर्शन एक विद्वान है और एक मैक गोल्ड्रिक विद्वान है, दो विद्वान है ये, ठीक है। तो एक का नाम है मोनिका मैक गोल्ड्रिक और एक का नाम है रेडी गर्शन। इन दोनों ने सन 1985 में, ध्यान रखिएगा 1985 में, ध्यान से समझिएगा 1985 में इन्होंने जेनोग्राम पर एक किताब लिखा। उस किताब का नाम था असेसमेंट एंड इंटरवेंशन। क्या नाम था किताब का? जेनोग्राम्स असेसमेंट एंड इंटरवेंशन। और इसी किताब में जो है जेनोग्राम को बारे में बताया गया कि फैमिली ट्री को किस तरीके से हम विकसित कर सकते हैं और किसी भी समस्या का अगर निदान करना है तो उसके लिए क्या चीज़ें हमें एक पेज में आ जाना चाहिए, मतलब एक पेज में हम उसको देखते ही पता कर ले। तो ये जैसे मनोरोग, मनोविज्ञान, समाज कार्य, अनुवांशिक अनुसंधान, शिक्षा इत्यादि जगहों पर व्यक्तिगत और पारिवारिक चिकित्सा में हम रिकॉर्ड रखते हैं, क्लाइंट को परिवार की गतिशीलता को समझाने का प्रयास करते हैं, तो वो जेनोग्राम होता है। तो जेनोग्राम एक पारिवारिक मानचित्र या इतिहास है जो कई पीढ़ियों से संबंध या प्रमुख घटनाओं और परिवार की गतिशीलता का वर्णन करने के लिए विशेष प्रतीकों का उपयोग करता है। अभी मैं प्रतीक आप लोगों को बताऊंगा। तो पारिवारिक या पारंपरिक पारिवारिक वृक्षों के नाम और संबंध छवियों के आगे या आकृतियों के भीतर सूचीबद्ध हो सकता है। हालांकि इस प्रकार के पारिवारिक वृक्षों को अक्सर बहुत सारी जानकारी से वंचित रखा जाता है। लेकिन क्या टॉप और मैरी जुड़वा है, क्या सूचीबद्ध माता पिता या उसके जैविक माता पिता हैं या उन्हें गोद लिया गया है, आप इन सभी सवालों का जवाब एक जेनोग्राम के रूप में दे सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं। मैं इसकी PDF अभी आप लोगों को पूरा डिटेल इतिहास वगैरह के साथ मैं आप लोगों के पास भेज दूंगा और आपको मिल भी जाएगा। बहुत ही इजी है ये जेनोग्राम, है ना, समझना केवल आप लोगों को है। जेनोग्राम का प्रतिनिधित्व किए गए परिवारों के बारे में जानकारी का खजाना होता है ये। सबसे पहले इनमें परिवार के पेड़ों में पाया जाने वाला एक बुनियादी डेटा होता है, जैसे कि नाम, लिंग, जन्म स्थिति और प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु की तारीख,
अतिरिक्त डेटा में शिक्षा, व्यवसाय, जीवन की प्रमुख घटनाएं, पुरानी बीमारियां और सामाजिक व्यवहार, व्यवहारिक संबंध की प्रकृति, भावनात्मक संबंध, सामाजिक संबंध शामिल किए गए हैं। तो कुछ जेनोग्राम में परिवार से चल रहे जो विकार आ रहे हैं, जैसे शराब हो गया, अवसाद हो गया, रोग हो गया, गठबंधन हो गया, रहने की स्थितियों की जानकारी भी हो गई, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं जेनोग्राम में। ठीक है, तो जेनोग्राम काफ़ी भिन्न हो सकता है क्योंकि इनमें कोई सीमा नहीं होती है किस प्रकार का डेटा को हम शामिल कर सकते हैं। तो कई टाइप के हो सकते हैं जेनोग्राम के, प्रतीक भी हैं। अब प्रतीकों पर भी बात करते हैं हम लोग, क्योंकि प्रतीक से ही प्रश्न पूछे जाते हैं सोशल वर्क में। तो पारिवारिक संबंधों को चित्रित करने के लिए विभिन्न पंक्तियों के साथ जो है लिंग का प्रतिनिधित्व करने वाले सरल प्रतीकों के साथ जो है एक जेनोग्राम को बनाया जाता है। तो एक जेनोग्राम जो है पुरुषों के लिए एक वर्ग होता है और महिला परिवार के सदस्यों के लिए एक चक्र होता है, है ना। तो इसका हम उपयोग करते हैं। तो जैसे अगर मैंने मेल बनाना है तो हम उसके लिए एक हम स्क्वायर का यूज कर सकते हैं, और अगर हमें फीमेल बनाना है तो हम उसके लिए एक सर्कल का यूज कर सकते हैं, चक्र का यूज कर सकते हैं। यही चक्र है, सर्कल मतलब चक्र है, ठीक है, और ये स्क्वायर है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, जिसको हम वर्ग बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो मेन हो गया। फिर इसी तरह से जेनोग्राम में जिस प्रकार से प्रतीकों का प्रतिनिधित्व किया जाता है वह बताता है कि क्या बच्चे जुड़वा है या गोद लिए गए हैं या उसके जैविक माता पिता हैं। इस तरीके की सूचीबद्ध हम जो है यहाँ पर देखते हैं, देख सकते हैं। ये सारे जो है जेनोग्राम का एक प्रतीक है, प्रतीक बताते हैं। इमोशनल एक रिलेशन की बात अगर हम करें तो इमोशनल रिलेशनशिप लिजेंट है, ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से बनाए गए हैं जेनोग्राम के बारे में, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, अब आप थोड़ा सा यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है, कि जेनोग्राम में क्या क्या प्रतीक होते हैं। वैसे अगर हम बात करें जेनोग्राम में, तो आपको अभी भी मैंने बताया है कि जब कभी आपको मेल बनाना हो तो आप सीधा सीधा सा आप स्क्वायर बनाएंगे, फीमेल अगर आपको बनाना है तो आप क्या करेंगे, सर्कल बना देंगे। ट्रांसजेंडर अगर आपको बनाना है, ट्रांसजेंडर में तो ध्यान रखेंगे, अगर ध्यान रखें यहाँ पर मेल ट्रांसजेंडर की बात मैं कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, मेल ट्रांसजेंडर की। तो जो इसके लिए बनाया था, एक आप स्क्वायर बना दीजिए, सर्कल बना दीजिए और बीच में एक स्क्वायर बना दीजिए, ठीक है, ये मेल ट्रांसजेंडर होगा, ठीक है। और अगर आपको फीमेल ट्रांसजेंडर बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब ये जो स्क्वायर है ये बड़ा सा बन जाएगा और उसके बाद इसके अंदर जो है एक सर्कल बन जाएगा, ये फीमेल ट्रांसजेंडर हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई मान लीजिए संस्था है जिसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूट बनाना है आपको, तो एक मकान की तरह इस तरीके से बनाइए, आपका ये इंस्टीट्यूट बन जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई गर्भावस्था में है तो उसके लिए अगर आपको बनाना है तो आप कुछ इस तरीके से बनाइए, जो है ट्रायंगल टूमा से ये बन जाएगा गर्भावस्था का, ठीक है। और अगर मान लीजिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पर और आप लोग, जब जेंडर अननोन होता है तब भी हम ये प्रक्रिया बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जेंडर अननोन की भी प्रक्रिया आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है, याद रहे आप सभी को ये। अब मान लीजिए कोई अगर मृत जाल से बनाना है, जैसे फीमेल की मृत्यु हो गई, मेल का मृत्यु हो गया, तो आप इसको क्रॉस बना दीजिए। अगर मान लीजिए मेल की डेथ हो गई तो आप यहाँ पे इस तरीके से बना के इसको क्रॉस कर दीजिए, फीमेल की डेथ हो गई तो आप यहाँ पे क्या करिए, फीमेल को भी ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी आपको डबल क्रॉस भी मारता है, तो आप इस तरीके से डबल क्रॉस को भी मार दीजिए। ध्यान रहे कि ये जो सर्कल होगा इसको पार होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें आपको हो जाएगा। मिस करेज की अगर हम लोग बात करें, जिसको एबोर्शन की भी आप लोग प्रक्रिया बताते हैं, तो मैं अगर आपसे बात करूँ यहाँ पे मिस करेज के बारे में, तो मिस करेज कैसे इसका सिंबल बनाएंगे, इस तरीके से बनाइए ट्रेंगल नुमा, और फिर उसके बाद यहाँ से इस तरीके से कर दीजिए और यहाँ से ऐसे कर दीजिए, ये जो है मिस करेज हो जाएगा, ठीक है। विक्टिम है, ठीक है, विक्टिम का मतलब शिकार अगर कोई है, विक्टिम को आप केवल एक लाइन खींच दीजिए, ये विक्टिम का साइन हो जाएगा, ठीक है। इसको कहीं कहीं पेटेगरी चार्ट के नाम से भी जानते हैं, है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे सभी लोग। अब एक बात और ध्यान रखिए कि अगर मान लीजिए तलाक है, डाइवोर्स की बात अगर मैं कर रहा हूँ आपको, तो जैसे कि अगर मान लीजिए ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक लाइन खींचिए और इस तरीके से क्रॉस मार दीजिए, ये तलाक का सिंबल हो जाता है। कहीं कहीं इस तरीके से भी बनाया जाता है कि एक तरफ अगर हम बात करें तो इस तरीके से बना दीजिए और यहाँ पर इस तरीके से बना दीजिए, ये भी तलाक का सिंबल मान लिया जाता है, ठीक है। और मान लीजिए अगर रक्त संबंध में अगर शादी हुई है, ब्लड रिलेशन में अगर शादी हुई है, तो आपको पता होना चाहिए, जैसे ये मेल है ये फीमेल है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इनके दो बच्चे हैं, यहाँ पे मैं बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है, ब्लड रिलेशन का
यहाँ पे ब्लड रिलेशन बना रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है। इनके जो है मान लीजिए दो बच्चे हैं, एक लड़का है इनका और एक लड़की भी है, ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा ब्लड रिलेशन में। अब इनकी जो है इनकी शादी हुई, ठीक है, इनकी शादी हुई तो इनके जो है दो बच्चे हुए, ठीक है, दोनों बेटी थी। और इनकी शादी हुई तो इनकी जो है दो बेटा हुआ, एक बेटी हुई और दो बेटा हुआ। ये आपको इस तरीके से बनाना है ब्लड, मैं बात कर रहा हूँ ब्लड रिलेशन की। अब अगर इसकी शादी इससे होती है तो ये संबंध आपका क्या बनता है ब्लड रिलेशन को, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसका सिंबल बनता है ब्लड रिलेशन में। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे सभी लोग कि यहाँ पे एक मान लीजिए मेल है, ठीक है, और इसके परिवार हैं मतलब माता पिता हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो है दर्शा दिया जाता है इस तरीके से बना के, ठीक है, और ये इस तरीके से ये हो जाता है ब्लड रिलेशन का सिंबल, ठीक है। इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगर कोई मान लीजिए जो है सूचकांक व्यक्ति है, और ये सूचकांक व्यक्ति बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं, दोनों में इस तरीके से जो है सिंबल बन जाता है। एक अंदर बन जाता है यहाँ पर वो स्क्वायर और एक बाहर बन जाता है स्क्वायर, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। और अगर आपसे बात करें एक से अधिक लिंग के लोगों के साथ उसका शारीरिक और यौन और भावनात्मक आकर्षण महसूस करने वाला अगर वो व्यक्ति है, यानी अगर हम बात करें बाईसेक्सुअल है, तो ऐसी कंडीशन पर अगर हम इस तरीके का सिंबल बनाते हैं बाईसेक्सुअल के रूप में, मैं बता रहा हूँ आपको, तो ये ऐसे बनाएंगे। और यहाँ पे ध्यान रखें ये डॉट डॉट बनेगा, ये डॉट डॉट ऐसे बनता है, एक रेक्टेंगल बन जाता है, एक सॉरी रेक्टेंगल नहीं ट्रायंगल हो जाता है, ये डॉट डॉट में ट्रायंगल है, त्रिभुजनुमा बनता है लेकिन ट्रायंगल रहता है। ध्यान रखें यहाँ पे जो है डॉट डॉट, मैं एक बार इसको छोटा करता हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें। ये देखिए कुछ इस तरीके से बनता है, ये डॉट डॉट बनता है ऐसे, ठीक है, बाईसेक्सुअल पे, ठीक है। और अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चा गर्भ में है तो इसके लिए सिंबल कैसे बनाते हैं, ये आप इस तरीके से जो स्टार नहीं बनता है या अमीबा वगैरह जो बनते हैं तो उस तरीके से आप यहाँ पे दर्शा सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये बनता है कि जो है बच्चा जो है गर्भ में बच्चा है, इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। यदि वो नपुंसक है तो उसके लिए हम इस तरीके से बनाएंगे, एक लाइन खींचेंगे और इस तरीके से बना देते हैं, ये जो है नपुंसक है, ठीक है। और अगर मान लीजिए हियरिंग इम्पेयरमेंट का बच्चा है तो वो सुनता नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे बीच में एक प्लस का साइन लगा देते हैं, इसको हियरिंग इम्पेयरमेंट बोलते हैं, श्रवण बाधित बोलते हैं इसको। और ये मान लीजिए कोई डिसेबिलिटी से वो प्रभावित है, तो अगर लड़की है तो इस तरीके से बना के इस तरीके आपको कर देना है, और अगर कोई लड़का है तो इस तरीके से बनाकर मेल को इस तरीके से आपको प्रभावित कर देना है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। एबॉर्शन की अगर हम बात करें, गर्भपात की बात करें, तो गर्भपात में मैंने भी ऊपर देखो यहाँ पे बताया है मिसकरेज को लेकर, कभी कभी इसको इस तरीके के भी सिंबल में दर्शाया जाता है, यहाँ पे इसको जो है पूरा ब्लैंक कर देना यानी फिल कर देना, ये भी आपका मिसकरेज हो जाता है, ठीक है। अगर लेस्बियन है, ठीक है, लेस्बियन, तो आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे मेल है या फीमेल लेस्बियन की बात मैं कर रहा हूँ, तो आप ध्यान रखेंगे आप एक सर्कल बनाएंगे और उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, ये बना देंगे आप ट्रायंगल, लेस्बियन है ये। और अगर मान लीजिए गे है, ठीक है, तो इसके लिए क्या बनाना है आपको, इस तरीके से आपको बनाना है और बीच में आप ध्यान रहे इस तरीके से आपको कर देना है, यहाँ पे डॉट डॉट नहीं रहेगा, ये बात ध्यान रहे आप लोगों को। अगर मान लीजिए किसी को गोद लिया है आपने, तो आपको क्या करना है इस तरीके से, मान लो लड़की है या लड़का, लड़का है तो इस तरीके से बना देंगे और लड़की है तो सर्कल बना देंगे, ये गोद लिया है। लर्निंग डिसेबिलिटी है, स्लो लर्नर है, तो आपको क्या करना है इस तरीके से बना देना है इसमें प्लस का चिन्ह, लेकिन ये पूरा टच होना चाहिए बाहर की लाइनों से, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जुड़वा अगर बच्चा है तो आपको क्या करना है यहाँ पर इस तरीके से बना देना है, अगर दोनों जुड़वा लड़का है तो दोनों में इस तरीके से बनेगा, अगर एक लड़का है तो एक लड़की है तो यहाँ पर आप एक सर्कल बना सकते हैं, यहाँ पर एक लड़की है तो ये बना सकते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये थे आपका जो है जेनोग्राम के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। यदि आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक आप्रवासन शब्द भी यूज़ होता है आप्रवासन के लिए भी, तो आप्रवासन जो यूज़ होता है कुछ इस तरीके से यूज़ होता है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे ये फीमेल है तो ये ऐसे बनाएंगे एक नीचे, तो फिर इसको जो है यहाँ पर इस तरीके से लाइन खींच देंगे,
ठीक है, ये जो है आप्रवासन शब्द को बताता है। और ये अगर यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि दूसरे देश में आकर वहाँ अस्थायी रूप से बसने की जो प्रक्रिया है वही आप्रवासन होती है। यह जो है इस अगर फीमेल है तो सर्कल बना देंगे, ठीक। और एज जरूर लिखना है, 41 है। और अगर मान लीजिए मेल है तो आप इस तरीके से बना देंगे, ठीक है। मेल है तो आपका क्या बना देंगे, आप स्क्वायर बना देंगे, सर्कल बना देंगे फीमेल में, फिर भी आपको इसी तरीके से ये चीज़ें दर्शानी होगी, ठीक है। तो ये एक आप्रवासन हो जाता है, ठीक है। तो ये ज़ेनोग्राम के बारे में था। यदि आप लोगों को ज़ेनोग्राम के बारे में अगर कोई दिक्कत है या कुछ और चीज़ें पूछनी तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को कमेंट भी बता दूंगा। इसकी PDF मैं जो है आप लोगों को अभी ग्रुप में डालता हूँ ताकि आप और आसानी से इसको देख सकते हैं, ठीक है, ज़ेनोग्राम के बारे में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही है। बाकी अगर आपको समाज कार्य वगैरह के बारे में जानकारी चाहिए, मार्च का अगर एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, इसका नोट्स अगर आपको चाहिए तो 999 रुपये में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि एम्स मेडिकल सोशल वर्क की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, इसके भी नोट्स इंग्लिश सब में दिए जा रहे हैं 999 रुपये में, ठीक है। सारे क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ है, वीडियो भी है, क्वेश्चंस है, सब कुछ दिया जा रहा है 999 रुपये में। और जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप 8506031308 पर आप कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।